वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, आज के टाइम में बहुत ही एक वायरल डिसीज चल रही है जो कि अपने काफ़ी क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, यानी कि आँख का आना। आँख का आना एक वायरल इन्फेक्शन है। यह एक वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। इसके प्रमुख लक्षण जो होते हैं, जिसकी वजह से आँख लाल हो जाती हैं या धुंधलापन दिखाई देने लगता है, आंसू आने लगते हैं और इसके अलावा आंखों में खुजली भी होने लगती है, और भी इसके अलावा बहुत सारे लक्षण होते हैं। कभी कभी बुखार भी आ जाता है इसके साथ में। तो आपको बता दें, यह एक संक्रामक रोग है जो कि किसी संक्रमण के कारण फैलता है। और यदि आपको बता दें कि इसके प्रमुख जो लक्षण होते हैं, तो ये स्टार्टिंग में पहले आपको खुजली लगेगी, इसके बाद पानी जैसा आएगा, फिर धुंधलापन आएगा और इसके बाद धीरे धीरे ये काफ़ी तरीके से फैलने लगता है। आँखों में सूजन भी आ जाती है। यह हमारे आँख के पास जो सफ़ेद कलर का पार्ट होता है, तो ये इसको बोलते हैं कंजक्टिवा। यह कंजक्टिवा जो होता है, तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। यह एक आँख की बीमारी है और यह इन्फेक्शन के कारण फैलती है। यदि घर में किसी को है तो हो सकता है कि उसके द्वारा किसी और को भी हो जाए, या घर में धीरे धीरे करके सभी लोगों को हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसके बचाव क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम इससे बचने के लिए किसी साफ कपड़े से अपनी आँखों को पोंछते रहें, यानी कि उसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ आंसू वगैरह हैं तो उसको धीरे से आँखों के ऊपर रखना है और धीरे से साफ करना है। और इसके अलावा साफ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा जलन वगैरह हो रही तो ठंडे पानी से आप उनको धुल सकते हैं। और इसके अलावा कुछ दवाइयों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिप्लॉक्स ड्राप या फिर कोई मॉक्सीफ्लॉक्सासिन फार्मूले में, या मॉक्सीफोर्ड या फिर मॉक्सिप डी, इस टाइप के एंटीबायोटिक्स आई ड्राप आते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यदि आप एडल्ट हैं तो आप इन ड्रापों का इस्तेमाल दिन में 3 बार कर सकते हैं, 2-2 बूंद। और इसके अलावा आप किसी बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने किसी डॉक्टर की सलाह ले लें। और इसके साथ में यदि ड्राप डालने के बाद भी नहीं सही हो रहा है, तो आप उसमें कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप इसमें एंटीबायोटिक्स जो कि आँख के लिए सबसे अच्छा होता है, जिसको हम बोलते हैं पैराक्सिन 500, ये 500 और 250 दोनों फॉर्म में आता है। तो आप अपने उम्र, वजन और इसके अलावा बच्चे को दे रहे हैं तो बच्चे के हिसाब से, बड़े को दे रहे हैं तो बड़े के हिसाब से कब किसको कितना डोज देना है, या अपने किसी डॉक्टर की सलाह ले लें। बाकी हम आपको इसमें जो भी बता रहे हैं वो आपको एक सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं। जैसे कि आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, यानी 18 साल या 14-15 साल से ऊपर हैं, तो आप 500 mg सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई बच्चा 10-12 साल का है तो आप उसको 250 mg सुबह शाम दे सकते हैं। और बता दें कि इसमें दर्द और सूजन के लिए आप साथ में जीरोडाल SP टेबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े हैं तो दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के बाद। और इसके साथ में आप एक एंटी एलर्जिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आंखों में खुजलीपन रहती है तो वो सही हो जाएगी। आप इसमें बेटनिसाल या फिर ओमनाकाटिल या वाइसोलान वगैरह आप एंटी एलर्जिक के रूप में ले सकते हैं। यह एक स्टेरॉयड मेडिसिन होती हैं जो कि आपको 1 से 2 दिन में तुरंत फ़ायदा दे देंगे। यदि आप इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यदि आप कोई घरेलू उपचार कर रहे हैं, तो आपको बता दें यह 7 से 14 दिन तक बीमारी रहती है, इसके बाद धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती है। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सनग्लासेस का यूज करें, घर में रहें, और इसके बाद धूप में कम निकलें, धूल गर्दे से बचें, और घर में यदि किसी को है तो आप उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, और आप अपना जो कपड़ा, तौलिया, रुमाल वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल ही साफ़ होना चाहिए। और इसके बाद समय समय पर उसको आप कहीं ऐसी जगह मत रखें जिससे घर में कोई दूसरा व्यक्ति भी इस्तेमाल करे। आप इन सब चीज़ों का 2 से 3 दिन तक परहेज करेंगे तो आपका 100% पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसके बाद भी आपको यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। यदि आपको कोई शंका है, आप कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।